वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। मैं हूं राइडर अनिकेत और आप लोग देख रहे हो नाइट वॉकर। और आज मैं आ चुका हूं अपना नियरेस्ट यामा शोरूम, नेशनल मोटर्स यामा। और यहां पर आज हम लोग करेंगे यामा का एक ब्रांड न्यू बाइक का रिव्यू करेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे, बाइक का छोटा से छोटा फीचर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अभी सीधा मिलते हैं बाइक पर, जाके दिखाते हैं कौन सा वाला बाइक का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे यामा R15M 150cc में। इसको बीस्ट कह सकते हैं हम लोग, मतलब इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बाइक 150cc सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पेशल थैंक्स नेशनल मोटर्स यामा के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो, और आप लोग मेरा ये वीडियो नॉर्थ बंगाल से देख रहे हो तो डेफिनेटली विजिट कीजिए नेशनल मोटर्स यामा। डिस्क्रिप्शन में शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल सब मिल जाएगा। इसके साथ डिस्प्ले पर अभी शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका होगा, आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो इस बाइक का रिव्यू शुरू करेंगे हम लोग इसका फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड, एंड यहाँ पर मिल जाएगा फ्रंट नंबर प्लेट हैंगर। इसके साथ जो इसका रियर व्यू मिरर से वो आएगा ब्लैक कलर में, वो अभी अटैच नहीं है। बाकी जो बाइक का जो कलर है वो हमें मिलता है सिल्वर कलर। एंड एम जो मॉडल है इसमें दो वेरिएंट हमें देखने को मिलता है, एक है मेरे सामने आप लोग देख रहे हो जो कि सिल्वर कलर, एंड इसके अलावा भी एक MotoGP मॉन्स्टर MotoGP एडिशन में और एक वेरिएंट देखने को मिलता है। दोनों वेरिएंट में हमें थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें ब्लैक एंड ब्लू कलर का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम दोनों ही फीचर्स के साथ। साइड में हमें यहाँ पर DRS देखने को मिल जाएगा। इग्निशन ऑन करते उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। एंड आप लोग जिसका जो DRL से उसका पोजीशन देख सकते हो, बहुत हद तक देखने में जो हम लोग का जो आईब्रूज है उसी डिज़ाइन में हमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट मडगार्ड हमें मिल जाएगा सिल्वर कलर में। एंड बाइक की साइड प्रोफाइल आप लोग देखिए, हमें सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल पर हमें यहाँ पर R15M का ब्रांडिंग मिलता है, इसके साथ हमें यहाँ पर क्विक शिफ्टर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट सस्पेंशन हमें मिलता है KYB का गोल्डन USD सस्पेंशन। इसके साथ फ्रंट मडगार्ड पे हमें यहाँ पर ABS का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड जो गोल्डन USD है वो हमें 37mm डायमीटर का गोल्डन USD देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में हमें मिलता है लार्जर 282mm डिस्क विद बाइब्री का ट्विन पिस्टन कैलीपर। कैलीपर हमें मिल जाएगा गोल्डन कलर में, यहाँ पर बाइब्री का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इसके साथ डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट टायर्स हमें मिलता है 100x80x R17 का MRF का ट्यूबलेस टायर, जो कि रेडियल टायर हमें मिलता है। एंड फ्रंट का जो एलॉयस है वो हमें मिल जाएगा ब्लू कलर में। एंड एलॉयस का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अभी चलते थोड़ी सी साइड प्रोफाइल की ओर। जो टर्न इंडिकेटर से वो हमें मिल जाएगा हेलोजिन के साथ, लेकिन आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। LED ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो ऑप्शनल एसेसरीज की तरह हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अंदर में हमें यहाँ पर लिक्विड कूल्ड इंजन का रेडिएटर देखने को मिलता है। एंड जितना भी साइड फेयरिंग से वो ये वाला जो पार्ट है वो हमें मिलता है ब्लैक कलर, इसके ऊपर ब्लू एंड सिल्वर का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। एंड ए वाला जो पार्ट आप लोग देख सकते हो, ए वाला पार्ट हमें मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। बाकी नीचे हमें यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इंजन में हमें यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड इस बाइक की इंजन की बात करें तो हम लोगों को मिलता है सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve SOAC लिक्विड कूलेड BX6 कंप्लाइंट FI इंजन। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलता है 155cc। एंड इस इंजन की पावर आउटपुट की बात करें तो हम लोग को मिल जाएगा 18.4 PS एट 10,000 RPM। इसके साथ हम लोग को मिल जाएगा 14.2 Nm का मैक्स टॉर्क, जो कि हम लोग को मिलता है 7,500 RPM पर। बाकी इस बाइक में हमें असिस्ट विथ सिल्वर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इस बाइक में हमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड इसका एग्जॉस्ट हमें मिलता है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर हमें सिल्वर का एग्जॉस्ट काउल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सिल्वर कलर में मिलता है, एंड यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा सिल्वर कलर देखने को मिल जाएगा। एंड एग्जॉस्ट हमें मिलता है सिंगल बैरल एग्जॉस्ट। इसका एग्जॉस्ट नोट आगे हम लोग चेक करेंगे। एंड ए वाला जो पोर्शन है वो हमें मिलता है ब्लैक कलर में। एंड इसका जो पैटर्न है, मतलब स्क्रैच प्रूफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। बाकी हमें यहाँ पर एक स्टिकरिंग मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक स्टिकरिंग मिलता है। एंड थोड़ा सा रियर सेक्शन में आए तो सबसे पहले आप लोग को इसका जो रियर जो एलॉयस है वो भी हमें मिलता है ब्लू कलर। एंड एलॉयस का डिज़ाइन भी एक यूनिक सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड रियर का सस्पेंशन हम लोग को मिल जाएगा लिंकेट टाइप मोनोशॉक, जो कि नॉन एडजस्टेबल है, हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर सकते।
एंड इसके साथ रियर ब्रेक हम लोगों को मिलता है 220 mm डिस्क विथ निसिन का सिंगल पिस्टन कैलिपर। एंड यहाँ पर भी हमें ABS देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सुपर मोटो ABS भी यहाँ प्रोवाइड करता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बाकी रियर का जो कैलिपर्स है वो हमें मिलता है निसिन का, फ्रंट पे हमें मिलता है बाइब्री का। एंड रियर टायर्स हम लोग को मिलते हैं 140x70x R17 का MRF का ट्यूबलेस टायर्स, रेडियल टायर्स इस बाइक में हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पर एक छोटा सा टायर हगर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हमें मिलता है रियर ब्रेक का जो ऑयल सिलेंडर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पिलियन फुट पेक्स हमें मिलता है एलुमिनियम फिनिश के साथ, राइडर फुट पेक्स हमें देखने को मिल जाएगा एलुमिनियम फिनिश के साथ, एंड जो रियर ब्रेक लीवर से वो भी हमें एलुमिनियम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड अभी चलेंगे टेल सेक्शन। सबसे पहले रियर का जो पार्ट है आप लोग इसको देखें, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पीछे से एक एयरक्राफ्ट टाइप डिज़ाइन यामाहा ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हमें वीवे का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, मतलब वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ब्लू एंड सिल्वर कलर के स्टिकरिंग हमें देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप हमें मिल जाएगा फुल LED टेल लैंप। इसके साथ जो टेल का जो पार्ट है, यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है वो हमें मिलता है बल्ब के साथ। यहाँ पर मिल जाएगा रियर नंबर प्लेट हैंगर रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पर मिल जाएगा नंबर प्लेट लाइट, एंड यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, बोथ साइड हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि नाइट राइड में हम लोग को एक अच्छा खासा सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। बाकी इस साइड पे हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड शाड़ी गार्ड। एंड रियर का जो स्विंग हमें वो हमें मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। चेन सेट हमें मिल जाएगा ओपन ड्राइव चेन सेट, मतलब एवरी 500 और 600 किलोमीटर्स के बीच हमें ये चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना होगा। बाकी इस बाइक में हमें साइड स्टार मिलता है, साइड स्टार में साइड स्टार इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी सेंटर स्टैंड इस बाइक में हमें देखने को नहीं मिलता है, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस के लिए यामा ने वो हम लोगों को नहीं दिया है। बाकी जो इसका जो ब्रेक लिप सॉरी इसका जो गियर लीवर से वो हमें मिल जाएगा एल्युमिनियम फिनिश के साथ। यहाँ पर मिल जाएगा पिलियन फुट पेक्स एल्युमिनियम फिनिश के साथ। एंड इस बाइक की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसके साथ कर्ब वेट हम लोगों को मिल जाएगा 142 kg इसका कर्ब वेट। एंड सीट हाइट हम लोग को मिलता है 815 mm इसका सीट हाइट। एंड सीट जो राइडर सीट है थोड़ा सा हार्ड साइड में हमें देखने को मिल जाएगा इसका सीट। एंड पिलियन सीट में हमें यहाँ पर R15M का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें एक स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड पैनल्स पर हमें यहाँ पर वीवे का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, सिल्वर एंड ब्लू कलर के स्टिकरिंग हमें देखने को मिलता है। एंड जो सीट है, सीट का जो पैटर्न है बहुत हद तक हमें कार्बन फाइबर टेक्सचर में देखने को मिल जाएगा राइडर सीट एंड पिलियन सीट। यहाँ पर हमें की स्लॉट मिलता है जिसके मदद से हम लोग पिलियन सीट को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो गियर लीवर से यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर क्विक शिफ्टर का मैकेनिज्म हमें मिलता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। एंड लेफ्ट साइड से इसका जो पैनल से वो सेम राइट साइड वाला ही डिज़ाइन हमें मिलता है। यहाँ पर R15 की स्टिकरिंग, यहाँ पर मिल जाएगा क्विक शिफ्टर की स्टिकरिंग, यहाँ पर मिलता है टर्न इंडिकेटर्स। एंड नीचे बेली पे हमें यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें जो रेडिएटर है उसका ऑयल कंटेनर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी टैंक में हमें यहाँ पर यामा का 3D में लोगो देखने को मिलता है। एंड टैंक में हमें यहाँ पर इनटेक एयर वेंट्स देखने को मिल जाएगा। एंड जो फ्यूल टैंक है वो डुअल टोन कलर फिन्स के साथ हमें मिलता है, सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमें ब्लू कलर के स्टिकरिंग मिल जाएगा, यहाँ पर यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का स्टिकरिंग हमें देखने को मिलता है। एंड जो फ्यूल कैप है वो हमें सिल्वर कलर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें R15M का ब्रांडिंग देखने को मिलता है जो कि 3D में हम लोगों को प्रोवाइड किया है। बाकी इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 11 liters इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड अभी आते हैं इस बाइक की ओवरऑल डायमेंशन की ओर। इस बाइक की लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा 1990 mm इसका लेंथ। इसके साथ इस बाइक की विड्थ हमें मिलता है 725 mm। इस बाइक की हाइट की बात करें तो हम लोग को मिलता है 1135 mm। इसके साथ इसका व्हील बेस हमें देखने को मिल जाएगा 1325 mm। एंड जितना भी नंबर्स मैंने अभी आप लोगों को बताया वो डिस्प्ले पे आ चुका होगा, आप लोग उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं इसका हैंडल बार, इसके साथ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले इसका जो हैंडल बार है वो हमें मिल जाएगा क्लिप ऑन हैंडल बार, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो अगर आप लोग Version 3 राइड कर चुके हो उससे थोड़ा सा अपराइट में इसका पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में हमें यहाँ पर R15 का ब्रांडिंग मिलता है। एंड जो
इसका जो टिप है वो हमें मिल जाएगा ब्लू कलर में, दोनों ही साइज हमें ब्लू कलर का टिप हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ क्लच लीवर्स हमें मिलता है ब्लैक कलर में, असिस्ट विथ स्लीपर क्लच इस बाइक में हमें देखने को मिल जाएगा। एंड स्विचेस की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर हाई बीम लो बीम एंड पास का स्विच इनबिल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, यहाँ पर मिलता है हॉर्न का स्विच, डुअल हॉर्न इस बाइक में हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड। एंड राइट साइड में हमें यहाँ पर मिल जाएगा रेड कलर में इंजन किल स्विच एंड स्टार्ट बटन सिंगल स्विच में हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है हैजर्ड का ऑप्शन एंड नीचे हमें यहाँ पर इन्फो का स्विच मिलता है जिसके मदद से पूरे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। बाकी इसका की का जो डिज़ाइन है देख सकते हो, तो नॉर्मल जो यामा का डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में की मिलता है। तो अभी चलेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है। सबसे पहले आप लोग इसके एनिमेशन को एक बार चेक कीजिए, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले लेफ्ट में हमें कुछ सिंबल्स मिल जाएगा, कुछ नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, लेफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएगा, SMS का नोटिफिकेशन, कॉल का नोटिफिकेशन, इंजन ओवरहेड का सिंबल मिल जाएगा। राइट साइड में हमें यहाँ पर ABS का सिंबल मिलता है, यहाँ पर यामा का लोगो देखने को मिल जाएगा, राइट इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, नीटॉल, FI का सिंबल, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पर TCS का भी सिंबल मिलता है, TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एंड ऊपर हमें यहाँ पर आप लोग कुछ लाइट्स देख सकते हो, यहाँ पर हमें RPM लिमिट लाइट या गियर शिप लाइट भी बोल सकते हो आप लोग, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड अभी चलते हैं इसका जो डिजिटल वाला जो सेक्शन है यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाएगा टैकोमीटर, इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर मिल जाएगा स्ट्रीट मोड, नीचे हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओडो, इसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा फ्यूल गेज। एंड इस बाइक में हमें VVA देखने को मिलता है जो कि 7400 RPM के बाद ऑटोमेटिक VVA ऑन होता है इस बाइक में। बाकी नीचे हमें यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ट्रैक सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ जो इसका जो एंड इसका जो इन्फो का जो स्विच है उसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का भी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। इसके साथ बैटरी लेवल इंडिकेटर, इंजन हीटिंग इंडिकेटर सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर। एंड ओडो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F में हम लोग यहाँ से स्विच कर सकते हैं। बाकी इस बाइक में जो यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट है उसके मदद से हम लोग इसका जो ऐप है ऐप में बहुत सारे फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले मिस कॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट, इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाएगा। एंड जो मोबाइल है मोबाइल की मदद से हम लोग इसका लास्ट पार्किंग लोकेशन, बहुत कुछ फीचर्स हम लोग देख सकते हैं, बहुत कुछ फीचर्स हम लोग एनेबल कर सकते हैं उस ऐप की मदद से। बाकी आप लोग बाइक का लुक्स देखिए, 155cc से स्टार्ट करके 400cc तक इससे बेटर लुकिंग मोटरसाइकिल आपको किसी भी कंपनी के पास देखने को नहीं मिलेगा। मतलब खुद यामा भी इससे बेटर लुकिंग मोटरसाइकिल शायद ही नहीं बना सकता है। एंड इसका जो डीएनए है वो बहुत हद तक इसका सिबलिंग मतलब एल्डर सिबलिंग यामा R7 से बिलोंग करते हैं। इसका फ्रंट का जो लुक है वो R7 से बिलोंग करता है। एंड इसका जो कलर है वो तो आप लोग देख के बोल सकते हो, यामा का जो बिग बाइक है यामा R1M उससे बिलोंग करते हैं इसका कलर। एंड अभी आते हैं इस बाइक की कुछ फीचर्स की ओर। सबसे पहले तो हमें VVA देखने को मिल जाएगा जो 7400 के बाद VVA ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हमें देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर से स्टार्ट करके क्लॉक सब कुछ दिखाएगा। इसके साथ इस बाइक में दो राइडिंग मोड्स हमें मिलते हैं, मतलब इंजन का राइडिंग मोड्स नहीं, वो हमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर दो राइडिंग मोड्स मिलता है, रोड एंड ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड। इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल की मदद से हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के अगर हम लोग ऑन करेंगे तो इसका जो रियर व्हील है वो एक्स्ट्रा स्पिन नहीं होगा, उसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ इस बाइक में हमें क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलता है, क्विक शिफ्टर की मदद से हम लोग क्लच लेस अप स्विफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक गियर से दो गियर से तीन गियर में इसको स्विच कर सकते हैं। बाकी इस बाइक का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, तो अभी चलते हैं इसका प्राइसिंग सुनते हैं हम लोग कौन सा प्राइस रेंज में ये बाइक हमें देखने को मिलता है। यामाहा YZF R15M इसका एक शोरूम प्राइस की बात करें तो हम लोग को मिलता है 1,91,200 rupees इसका एक शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड सिलीगुड़ी ये बाइक हमें देखने को मिलता है 2,31,199 rupees इसका ऑन रोड सिलीगुड़ी प्राइस। हर स्टेट हर सिटी के हिसाब से इसका ऑन रोड प्राइस में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर अपना अपना सिटी अपना अपना स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हो।
या अभी डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ चुका होगा, आप लोग वापस जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको प्रोवाइड करने की। एंड अभी आते हैं इस बाइक की फिट एंड फिनिशिंग की ओर। फिट एंड फिनिशिंग की ओर अगर बात करें तो डेफिनेटली एक प्रीमियम प्रोडक्ट यामा ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है। इसका जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है गोल्डन USD, उसके रीज़न फ्रंट से इसका जो लुक से बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होता है। इसके साथ इसका लुक्स मतलब क्लियर लुक्स हमें देखने को मिल जाएगा सामने से या साइड वॉल से। अगर आप लोग देखो तो किसी भी एंगल से देख के आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक 150cc का बाइक है। देखने में बहुत हद तक बिग बाइक का फील देता है हम लोगों को। बाकी इसका जो कलरिंग है प्रीमियम क्वालिटी का कलर यामा ने यूज़ किया है, कोई भी स्क्रैचेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो यहाँ पर जो यामा का जो लोगो मिलता है वो भी 3D में मेटेलिक लोगो हमें देखने को मिल जाएगा। एंड फिट एंड फिनिशिंग में जो ट्विन पार्ट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम सा हमें देखने को मिलता है। एंड दो जो ट्विन पार्ट्स है इसके अंदर से कोई भी वायरिंग का इशू हमें नज़र नहीं आता है। ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यामा ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड अभी आते हैं इस बाइक की माइलेज की ओर। पावर के साथ साथ इस बाइक का जो माइलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों को 45-50 के आसपास ये बाइक बहुत इजीली मिल जाएगा हम लोगों को हाईवे पे। बाकी सिटी में हमें 35-40 के आसपास डेफिनेटली ये बाइक दे सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कैपेबल है ये बाइक का इंजन। बाकी इसका जो VVA है इसके मदद से इसका जो पावर है मतलब नेक्स्ट लेवल। बाकी जो रियर ब्रेक लीवर्स है वो भी हम लोगों को मिलता है ब्लैक कलर में। यहाँ पर जो ऑयल कंटेनर है यहाँ पर हमें निसिन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। बारेंस भी हमें ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया है यामा ने। इसके साथ जो हैंडल बार का जो ग्रिप है, ग्रिप का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ग्रिप हम लोग को प्रोवाइड किया है यामा ने। एंड जितना भी पार्ट्स है प्लास्टिक पार्ट्स आप लोग देख सकते हो, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक पार्ट यामा ने यूज़ किया है। एंड यहाँ पर आप लोग अंदर की ओर देख सकते हो, यहाँ पर हमें थोड़ा सा शार्क टाइप डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा एयर इंटेक के लिए, फॉर बेटर इंजन का जो हीटिंग है उसको कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारा शार्क टाइप डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इंजन में हमें यामा का लोगो देखने को मिलता है। एंड जो टेल का जो पार्ट्स है, जो यहाँ पर आप लोग जो पार्ट देख सकते हो पिलियन, यहाँ पर बैठ के बहुत इजीली इसको गैप करके बैठ सकते हैं। बाकी राइडिंग कंफर्ट तो हमें इस बाइक में उतना नहीं मिलेगा, मतलब लॉन्ग राइड में उतना नहीं मिलेगा। सिटी के हिसाब से हाईवे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाइक हमें मिलता है। एंड सब इसका जो मेन पॉइंट है वो इसका लुक्स, पावर एंड इसका माइलेज। लुक्स में तो डेफिनेटली किसी भी एंगल से आपको देख के नहीं लगेगा 150cc का कोई बाइक है। एंड इसका जो पावर है वो इंजन हमें मिलता है 155cc का, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बहुत हद तक हमें 200cc का देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ इसका जो माइलेज है, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन लुक्स पावर एंड माइलेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हमें मिलता है वो हमें सिर्फ मिलेगा यामा R15M में। अभी करेंगे हम लोग इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट को चेक करेंगे, देखेंगे कैसे एग्जॉस्ट नोट हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने सुन लिया इसका एग्जॉस्ट नोट, एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट हमें देखने को मिलता है इस बाइक में। तो इस बाइक का कौन सा फीचर्स आप लोग अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड यामा का रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब मिल जाएगा। नेशनल मोटर्स यामा का आप लोग विजिट कीजिए या फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल नाइट वॉकर। एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Oh, oh, oh.